हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आप लोग को इस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी बड़े ही आसान तरीके से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट की कटिंग कर लिए हैं, उसके बाद इसका हम साइज बता दे रहे हैं। ये लंबाई है 15.5 इंच, आधा इंच हम इसमें मार्जिन रखे हैं, 15 इंच मेरी लंबाई तैयार होगी। और उसके बाद यहाँ कंधा हम रखे हैं 7 इंच, ये बोट नेक है तो 7 इंच रखे हैं। यहाँ से आर्म होल, यहाँ से आर्म होल 7 इंच रखे हैं। और उसके बाद सीना है 40 का चौथाई हिस्सा 10 इंच, और यहाँ पर कमर है 32 इंच, तो 32 का चौथाई होगा 8 इंच। और इसमें हम 1.5 इंच मार्जिन लिए हैं डॉट के लिए, और उसके बाद यहाँ पर हम 2 इंच मार्जिन लिए हैं, और यहाँ से भी 2 इंच है। और उसके बाद यहाँ पर हम गले का निशान लगाएंगे, तो यहाँ से 4 इंच पे लगाएंगे हम, और यहाँ से हम 5 इंच लेंगे, 5 इंच। इस तरह इसको सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर फुल लंबाई हम रखेंगे इसका 12 इंच पे, 11.5 पे तैयार होगा, 1/2 इंच इसमें मार्जिन है। उसके बाद यहाँ से भी हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे, इसको भी सीधा कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम गले की गोलाई का निशान लगाएंगे, यहाँ पर हम गले में निशान लगाएंगे। यहाँ पर ब्लाउज में जो डिजाइन बनाना है हमको, उसका हम शेप देंगे। तो यहाँ पर हम शेप दे दिए हैं, अब इसकी कटिंग करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारी अस्तर की कटिंग हो गई है, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सिलाई से रिलेटेड किसी भी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो इस तरह से हम कपड़े के ऊपर सेट कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ से हम गले से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इस तरह से गले पर सिलाई लगाएंगे, पक्की सिलाई लगाएंगे हम यहाँ से। यहाँ पर हमको एक बूटी सिलाई लगाना है, तो यहाँ पे इस तरह से हम सिलाई लगा लिए हैं। अब इसको जो कपड़ा है बीच का, हम उसको काट के निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम कपड़ा काट के निकाल लिए हैं, उसके बाद हम यहाँ पर छोटा छोटा कट लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पर हम छोटा छोटा कट लगा लिए हैं, अब इस तरह से हम इसको पलट देंगे। इसको इस तरह से हम पलट लिए हैं, और उसके बाद यहाँ पर ये सुई ले लेंगे, सुई के सहारे से हमको इसको निकाल लेना है कोना को। यहाँ से अब हम एक बूट की सिलाई लगाएंगे पूरे गले में, यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से, सिंगल बूट की सिलाई। तो यहाँ पर ये मेरी सिलाई लग गई है, उसके बाद इसको हम पलट लेंगे। यहाँ से फिर किनारे किनारे हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम कच्ची सिलाई लगा लिए हैं, उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के निकाल देंगे। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हम काट के निकाल लिए हैं, अब इसमें हम डॉट लगाएंगे। तो इस तरह से हम डॉट लगा लेंगे। तो यहाँ पे ये मेरा डॉट दोनों लग गया है, उसके बाद इसमें हम लगाएंगे फ्रिल।
यहाँ पे हम फ्रिल पहले ही बना लिए थे, ये 1.5 इंच का है, 1.5 इंच का हम बनाए हैं इसको। उसके बाद यहाँ से हम लगाएंगे, यहाँ से हम लगाएंगे पूरे गले में, तो यहाँ पे हम फ्रिल लगा लिए हैं। अब उसके बाद यहाँ पे ये लेस लगाएंगे, तो यहाँ से लेस लगाएंगे हम, इसको खींचना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से कपड़ा सही करके इसको लगाना है लेस को, सही करके इसको लगाना है लेस को। तो यहाँ से हम लेस लगा लिए हैं, उसके बाद हम यहाँ से लगाएंगे लेस फ्रिल के ऊपर। तो यहाँ पे हम लेस लगा लिए हैं, और उसके बाद इसमें आप लगाएंगे यहाँ से कमर पट्टी। तो इसके लिए हम इसको डबल फोल्ड में सिलाई लगा लिए हैं, उसके बाद इसको इस तरह से यहाँ से रखेंगे, यहाँ से सिलाई लगाएंगे। उसके बाद ऊपर से फिर सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इसको मोड़ के हम सिलाई लगाएंगे, कच्ची सिलाई यहाँ पे तुरपन करेंगे। तो यहाँ पे हम कमर पट्टी लगा लिए हैं, यहाँ पे हम कमर पट्टी लगा लिए हैं। अब इसमें हम डोरी लगाएंगे, तो डोरी ये हम बना के रख लिए थे, रेडीमेड डोरी है, इसमें ये लटकन बना लिए हैं। उसके बाद यहाँ से हम लगा देंगे इसको, इसी तरह से दूसरा भी लगा देंगे। तो यहाँ पे हम डोरी लगा लिए हैं, उसके बाद यहाँ पे मेरा ये प्यारा सा डिजाइन बनके कंप्लीट हो गया है। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो, तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।